और इंडस्ट्री को मुझे थोड़ा लगता है कि और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए यहाँ पे टैलेंट्स जो हैं उन्हें नेशनल लेवल तक लेकर जाने के लिए उन्हें प्रमोशंस की थोड़ा बहुत ज़रूरत है। पूरा का पूरा सैम खूबसूरत है तो अभी भी खुद पे मेहनत कर रही हूँ, 3-4 महीने के बाद आई विल सी व्हाट वी कैन अनाउंस। मेरी जर्नी अभी तो काफ़ी 17-18 ईयर्स हो गया है। ग्लैडरैग्स सुपर मॉडल टाइटल जीतने के बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई, कोलकाता से एक स्टूडेंट लाइफ से एक सुपर मॉडल लाइफ। एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था मेरे लिए, वो जंप थी। इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना, उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री, उसके बाद ढेर सारे टूर्स करना, अलग अलग कल्चर, अलग अलग देश के लोगों से मिलना, भारत को रिप्रेजेंट करना, आर्ट को रिप्रेजेंट करना, बहुत ही अच्छा और बहुत ही फील गुड रहा है मेरी जर्नी। हाइज एंड लोज हर कोई देखता है, मैंने भी देखा है, बट नो कंप्लेंट्स, आई हैव नो कंप्लेंट्स। यहाँ पे यहाँ का कल्चर बहुत खूबसूरत है, जगह खूबसूरत है। जब भी आती हूँ मैं कामाख्या देवी जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोग बहुत ही काइंड है, वार्म हार्टेड है, और इंडस्ट्री को मुझे थोड़ा लगता है कि और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए यहाँ पे टैलेंट्स जो हैं उन्हें नेशनल लेवल तक लेकर जाने के लिए उन्हें प्रमोशंस की थोड़ा बहुत ज़रूरत है। यहाँ का फेवरेट प्लेस आपका क्या है? फेवरेट प्लेस टी गार्डन्स मैंने देखा है, वाइल्ड लाइफ मैंने देखा है, टेम्पल्स बहुत खूबसूरत है, ब्रह्मपुत्र बहुत खूबसूरत है, ग्रीनरी मुझे बहुत पसंद है यहाँ का। पूरा का पूरा सैम खूबसूरत है। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा आपका अभी अपकमिंग कुछ प्लान? फिलहाल तो इस वक्त कुछ भी वैसा अनाउंस करने के लिए नहीं है, 24 मार्च के आसपास देखेंगे। फिलहाल मैं एक बहुत ही बड़ा हेल्थ इशू से बाहर आई हूँ, तो अभी भी खुद पे मेहनत कर रही हूँ, 3-4 महीने के बाद आई विल सी व्हाट वी कैन अनाउंस। थैंक यू, आपने इतना सारा टाइम दिया, थैंक यू सो मच। और इंडस्ट्री को मुझे थोड़ा लगता है कि और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए यहाँ पे टैलेंट्स जो हैं उन्हें नेशनल लेवल तक लेकर जाने के लिए उन्हें प्रमोशंस की थोड़ा बहुत ज़रूरत है। पूरा का पूरा सैम खूबसूरत है तो अभी भी खुद पे मेहनत कर रही हूँ, 3-4 महीने के बाद आई विल सी व्हाट वी कैन अनाउंस। मेरी जर्नी अभी तो काफ़ी 17-18 ईयर्स हो गया है। ग्लैडरैग्स सुपर मॉडल टाइटल जीतने के बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई, कोलकाता से एक स्टूडेंट लाइफ से एक सुपर मॉडल लाइफ। एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था मेरे लिए, वो जंप थी। इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना, उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री, उसके बाद ढेर सारे टूर्स करना, अलग अलग कल्चर, अलग अलग देश के लोगों से मिलना, भारत को रिप्रेजेंट करना, आर्ट को रिप्रेजेंट करना, बहुत ही अच्छा और बहुत ही फील गुड रहा है मेरी जर्नी। हाइज एंड लोज हर कोई देखता है, मैंने भी देखा है, बट नो कंप्लेंट्स, आई हैव नो कंप्लेंट्स। यहाँ पे यहाँ का कल्चर बहुत खूबसूरत है, जगह खूबसूरत है। जब भी आती हूँ मैं कामाख्या देवी जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोग बहुत ही काइंड है, वार्म हार्टेड है, और इंडस्ट्री को मुझे थोड़ा लगता है कि और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए यहाँ पे टैलेंट्स जो हैं उन्हें नेशनल लेवल तक लेकर जाने के लिए उन्हें प्रमोशंस की थोड़ा बहुत ज़रूरत है। यहाँ का फेवरेट प्लेस आपका क्या है? फेवरेट प्लेस टी गार्डन्स मैंने देखा है, वाइल्ड लाइफ मैंने देखा है, टेम्पल्स बहुत खूबसूरत है, ब्रह्मपुत्र बहुत खूबसूरत है, ग्रीनरी मुझे बहुत पसंद है यहाँ का। पूरा का पूरा सैम खूबसूरत है। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा आपका अभी अपकमिंग कुछ प्लान? फिलहाल तो इस वक्त कुछ भी वैसा अनाउंस करने के लिए नहीं है, 24 मार्च के आसपास देखेंगे। फिलहाल मैं एक बहुत ही बड़ा हेल्थ इशू से बाहर आई हूँ, तो अभी भी खुद पे मेहनत कर रही हूँ, 3-4 महीने के बाद आई विल सी व्हाट वी कैन अनाउंस। थैंक यू, आपने इतना सारा टाइम दिया, थैंक यू सो मच।